दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड मैजिशियन हैप्पी आज एक जबरदस्त मैजिक लेके आया हूँ आपके सामने, आपकी नजरों के सामने। ये मामूली रुमाल का जादू आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, बाद में सिखाने जा रहा हूँ। तो ये मैजिक आप घर बैठे कहीं भी, आपके दोस्त यार हो या आप कहीं भी बैठे हो, कोई फंक्शन में बैठे हो और आपको मैजिक दिखाना हो, आसानी से आप दिखा सकते हो और आपको मैं ये मैजिक सिखाऊंगा। ये क्या है? रुमाल, रुमाल को गांठ लगाना, ये जादू का नाम है। आपकी नज़रों के सामने मैं ये रुमाल को ऐसे ही एक गठान यानी मैंने लगा दी हुई है। अब देखिए, ये एक गठान लग चुकी है और ये एक दूसरी लगाने जा रहा हूँ। तो एक और एक, दो गठान कितनी हुई? एक और एक, ये दो गठान हुई। अब देखिए जादू क्या होता है। मैं हल्का सा ऐसे मैजिक करूँगा, 1, 2 and 3 करूँगा, तो ये गठान ऑटोमेटिक यानी खुल जाएगी। तो ये जादू आपको सीखना है, आसानी से आप सीख सकते हो। ये गठान को मैंने आपकी नजरों के सामने रख दिया, अब देखिए क्या होता है मैजिक। 1, 2 and 3 नाउ दिस मैजिक, ऐसे करेंगे तो यानी ये गठान खुल जाएगी। अगर आपको दूसरे तरीके से ये मैजिक दिखाना है तो किसी भी कोई भी यानी पब्लिक को ले लो सामने और उसको आप ये मैजिक दिखा सकते हो। अभी ये जादू का बताने जा रहा हूँ और सिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। देखिए, ये एक मामूली ऐसे गठान है, ऐसे रुमाल पकड़ के दिखानी है और गठान का स्टाइल करना, ऐसे स्टाइल करना। बाद में ये आपको रुमाल को ऐसे नोट करना है, यानी लगेगी सबको दो गठान, लेकिन आपने लगाई हुई है मामूली एक गठान। और ऐसे ही आपको क्या करना है, पकड़ना है, यानी उसको खींच के ऐसे पकड़ना है। अब पकड़ने के बाद ये यहाँ से एक दूसरी गठान लगी, अब देखिए क्या होता है जादू। अब ऐसे ही खींच के आप दिखाओगे, ऐसे ही टाइट लगेगा, क्या लगेगा, बिल्कुल टाइट। जब आप ये हिस्सा पकड़ोगे और ऐसे ही नीचे झुका के गठान को आप करने जाओगे, तब खाली उंगली का इशारा करोगे तो ये क्या होगा, गठान बिल्कुल खुल जाएगी। तो यही जादू का रहस्य है, यही जादू का सीक्रेट है। देखिए, 1, 2 and 3 ये गठान बिल्कुल खुल चुकी है। देखिए, 1, 2 and 3 ये गठान बिल्कुल खुल चुकी है। ऐसे ही झटका देखिए, 1, 2 and 3 ऐसे ही गठान खुल जाती है। यही जादू का रहस्य है। जादू का हर प्रकार का सामान हमारे शॉप पर अवेलेबल है, आप हर प्रकार का मैजिक देख सकते हो, सीख सकते हो, खरीद सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।